Good morning, students. Find a and b. Root 3 minus 1 divided by root 3 plus 1 equals to a minus b root 3. So, जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन हो, क्या करेंगे? This is my right hand side, this is my left hand side. So, take left hand side. Root 3 minus 1 divided by root 3 plus 1. Now, rationalize the denominator. So here we are root 3 plus 1, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा? Root 3 minus 1 divided by root 3 minus 1. So root 3 minus 1, root 3 minus 1, दोनों same आपके पास क्या बनेगा? Root 3 minus 1 to the whole square आपके पास बन जाएगा. Divided by a plus b, a minus b. बताया था मैंने आपको, a plus b, a minus b equals to होता है a square minus b square and a minus b का whole square equals to होता है a square plus b square plus minus 2ab होता है आपके पास. चलिए स्टार्ट करते हैं. root 3 minus 1 square, so here we have root 3 square minus 1 square. So root 3 minus 1 square, a square प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ए आपके पास रूट थ्री, बी आपके पास क्या वन. सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू इनटू रूट थ्री इनटू वन डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, वन का स्क्वायर आपके पास क्या वन. सो रूट थ्री का स्क्वायर थ्री प्लस वन माइनस टू रूट थ्री डिवाइडेड बाय टू आपके पास आएगा. यहां से थ्री प्लस वन 4 minus 2 root 3 divided by 2. 4 by 2 minus 2 root 3 by 2. 2 1s are 2 2s are 4, 2 से 2 cancel out. आपके पास रहेगा 2 minus root 3. देखिए आपके पास rationalize करके आपके पास value आती है 2 minus root 3. अब आप compare कीजिए इस value को और इस value के साथ. अब मैं equate करता हूँ इनको मैं. Okay, 2 minus root 3 equals to a minus b root 3. अब आप देखिए जो आपके root की value है उसको root के साथ compare कीजिए, normal value को आप simple को simple से compare कीजिए. तो आप देखिए a equal to directly आपके पास क्या आता है, यहाँ से 2 आता है और मैं compare करता हूँ minus root 3 equals to minus b root 3. तो minus b आपके पास आता है माइनस रूट थ्री डिवाइडेड बाय रूट थ्री, कैंसल आउट मींस माइनस बी इक्वल्स टू माइनस वन. माइनस से माइनस कैंसल आउट, बी आपके पास क्या आता है वन आता है. दैट मीन मेरा जो सॉल्यूशन आएगा ए इक्वल्स टू टू, बी इक्वल्स टू क्या होगा आपके पास वन होगा. क्वेश्चन, फोर प्लस थ्री रूट फाइव डिवाइडेड बाय फोर माइनस थ्री रूट फाइव. अगेन टेक LHS, आपके पास क्या 4 प्लस 3 रूट 5 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 रूट 5 और उसको क्या कीजिए रेशनलाइज कर दीजिए. तो यहां पे माइनस है तो यहां पे क्या जाएगा प्लस, 4 प्लस 3 रूट 5 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 रूट 5. आप देखिए न्यूमरेटर में 4 प्लस 3 रूट 5, 4 प्लस 3 रूट 5 आपके पास बन जाएगा 4 प्लस 3 रूट 5 का होल स्क्वायर डिवाइड. और नीचे आपके पास हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, ए माइनस बी ए प्लस बी. सो हियर वी हैव ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ऊपर आपके पास बना ए प्लस बी स्क्वायर. आप सबको पता है क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए पी होता है आपके पास. सो ए के प्लेस पे 4 स्क्वायर प्लस 3 रूट 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 रूट 5 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है 4 का स्क्वायर 16 माइनस. अब यहां देख लीजिए एक बार आप 3 रूट 5 का स्क्वायर, 3 रूट 5 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं आप,
3 का स्क्वायर इंटू रूट 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, रूट 5 का स्क्वायर होता है 5, और 9 5 का क्या होता है आपके पास 45 होता है, तो 16 माइनस 45। ऊपर सॉल्व करते हैं, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 रूट 5 का स्क्वायर अभी किया हमने 45 प्लस 2 4 जा 8 3 जा 24 रूट 5 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 45 आपके पास बनता है 29। ध्यान आगे देखिए, ये बनेगा आपके पास 6 बजेगा ना 61 प्लस 24 रूट 5 डिवाइडेड बाय 29। ब्रेक कर लीजिए इसको, 61 बाय 29 प्लस 24 रूट 5 डिवाइडेड बाय 29। अगेन कंपेयर कीजिए, 61 बाय 29 प्लस 24 रूट 5 डिवाइडेड बाय 29 इक्वल्स टू ए प्लस बी रूट 5। सो ए आपके पास डायरेक्टली आएगा 61 बाय 29, एंड बी को कंपेयर कीजिए 24 रूट 5 डिवाइडेड बाय 29 इक्वल्स टू बी रूट 5। रूट 5 से रूट 5 क्या हो जाए कैंसल आउट, बी आपके पास आता है 24 बाय 29। सो मेरा जो सॉल्यूशन आएगा दैट मीन ए इक्वल्स टू 61 बाय 29 एंड बी इक्वल्स टू 24 बाय 29, ये मेरा सॉल्यूशन रहेगा ए और बी की वैल्यूज का। सॉरी यहाँ पे आपका माइनस 29 आएगा, हेयर माइनस 29 माइनस 29 अगेन हेयर माइनस 29, सो एट एवरी पॉइंट वी विल राइट माइनस 29, सो आंसर विल बी माइनस 61 बाय 29 एंड माइनस 24 बाय 29 आपका आंसर आएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय 5 माइनस रूट 3 प्लस 5 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 5 प्लस रूट 3। करने के दो मेथड्स हैं, आइदर आप डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कीजिए पहले इस टर्म में कीजिए, फिर आप यहाँ पे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कीजिए, या डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, मर्जी आपकी है। मैं लेके चलता हूँ, मैं एलसीएम के साथ करता हूँ। मैं जब आपके पास दो अलग अलग टर्म्स होती हैं तो उनका एलसीएम आप कैसे निकालते हैं, अगर मैं आपको बोलता हूँ सिंपल सी बात कि 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3 का एलसीएम क्या होगा, सो 2 3 जा आपके पास क्या था, हम सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 3 जा 6, 2 3 जा 3 प्लस 2, दैट मीन कि जो टर्म यहाँ पे है वो यहाँ मल्टीप्लाई होती है और जो यहाँ पे है वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाती है। सेम करते हैं, एलसीएम आपके पास आएगा 5 माइनस रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस रूट 3 आएगा आपके पास। सो यहाँ पे ये टर्म है इससे मल्टीप्लाई कर जाएगी 5 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस रूट 3, साइन प्लस का तो प्लस आएगा, यहाँ पे क्या लिखा है 5 माइनस रूट 3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे आपके पास 5 माइनस रूट 3 है तो यहाँ पे क्या आएगा 5 माइनस रूट 3। देखिए 5 प्लस रूट 3 5 प्लस रूट 3 क्या बन जाता है, ये 5 प्लस रूट 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 5 माइनस रूट 3 5 माइनस रूट 3, ये बन जाता है 5 माइनस रूट 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अगेन 5 माइनस रूट 3 5 प्लस रूट 3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 5 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, सो 5 का स्क्वायर पहले सॉल्व करते हैं ए प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड a माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सो a प्लस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू रूट 3 प्लस a माइनस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू रूट 3 आपके पास आएगा डिवाइडेड बाय
फाइव का स्क्वेयर 25 माइनस रूट थ्री का स्क्वेयर आपके पास क्या है 3। सो फाइव का स्क्वेयर 25 प्लस 3। अब देखिए 2 5 + 10 रूट थ्री प्लस 25 प्लस 3 2 5 = 10 रूट थ्री डिवाइडेड बाय आपके पास है 25 माइनस 3 22 प्लस 10 रूट थ्री माइनस 10 रूट थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा 25 प्लस 3 28 प्लस 28 डिवाइडेड बाय 22 56 बाय 22 लोअर फॉर्म में करेंगे 11 दैट मीन 28 बाय 11 आपका क्या आएगा आंसर आएगा क्वेश्चन का। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाय 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 बाय रूट 5 माइनस रूट 3 प्लस 1 बाय 2 माइनस रूट 5। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप इंडिविजुअली सबको क्या करोगे रेशनलाइज करोगे। सो 1 बाय 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस रूट 3 प्लस 2 बाय रूट 5 माइनस रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 5 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट 5 प्लस रूट 3 प्लस 1 बाय 2 माइनस रूट 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस रूट 5। हेयर वी हैव 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस 2 इंटू रूट 5 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय अगेन ए माइनस बी ए प्लस बी रूट 5 स्क्वेयर माइनस रूट 3 स्क्वेयर प्लस 2 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाय ए माइनस बी ए प्लस बी 2 स्क्वेयर माइनस रूट 5 का स्क्वेयर आपके पास बनेगा। सो हेयर वी हैव 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वेयर 4 माइनस 3 प्लस 2 इंटू रूट 5 प्लस डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 प्लस 2 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5। सो हियर वी हैव 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 रूट 5 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय माइनस 2 नहीं सॉरी प्लस 2 आएगा प्लस 2 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाय माइनस 1। कंप्लीट सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास। सो वेर यू आर 2 माइनस रूट 3 प्लस रूट 5 प्लस रूट 3 अब ये माइनस है दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे माइनस 2 माइनस रूट 5। सो प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 ये सारे के सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे रिजल्ट आपके पास क्या आएगा इसका 0 आपका आंसर आएगा इस क्वेश्चन का।